हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हाइब्रिड। दोस्तों रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो तैयार हो जाइए 18 मई के शो के अंदर जहां पर हम बात करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर्स की अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो नेशनल स्टेट न्यूज हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो, बिजनेस का न्यूज हो, अग्रीमेंट की खबरें हो, या इंपॉर्टेंट डेज हो, खेल की खबरें हो, या अपॉइंटमेंट की बातें हो, मतलब हर तरह के सेगमेंट की बातें हम कर सकते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। और अंत में क्या होगा, तो अंत में जी हाँ आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी होगा। तो 15 क्वेश्चन हम आपके समक्ष पेश करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एज इट इज इसी फॉर्मेट में आने वाले एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन जो है मिल जाए। तो यहां पर समय को जाया नहीं करेंगे और अपने सभी मित्रों को, व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को अपने ही अंदाज में बोलूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और चलते हैं इस सफर की तरफ जहां पर आपको क्या करना है, तो आपको जी हाँ सभी न्यूज को नोट करना है, अपने तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करनी है, नोट डाउन जरूर करना है, और उसके साथ इस लाइव स्ट्रीम को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिसे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन का भरपूर लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, दैट इज स्टेट और नेशनल न्यूज, राज्य की खबरें, राष्ट्रीय खबरें। तो पहली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसने घमासान मचा रखा है हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर, चुनाव कर्नाटका का लेकिन घमासान पूरे भारतवर्ष के अंदर, और वो ये बीएस येदियुरप्पा टेक्स ओथ एज सीएम ऑफ कर्नाटका। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो यहां पे गवर्नर वजूभाई वाला ने उनको आमंत्रित किया एज अ बिगेस्ट पार्टी कि आइए आप शपथ लीजिए, और 15 डे का टाइम दिया, 15 दिनों का समय दिया कि फ्लोर टेस्ट बोलते हैं गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है जब त्रिशंकु विधानसभा हो जाए या त्रिशंकु लोकसभा हो जाए या जिसे हम बोलते हैं हंग पार्लियामेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में गवर्नर जो है स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर राष्ट्रपति जो है वो बिगेस्ट पार्टी को या अपनी डिस्क्रिशन के अनुसार किसी को भी आमंत्रित कर सकती है सरकार बनाने के लिए। तो यहां पे बीएस येदियुरप्पा को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है, लेकिन 15 दिन का समय दिया है कि आप जो है बहुमत साबित करके दिखाइए। तो वो 112 सीटों का बहुमत जो है इन्हें 15 दिनों के भीतर करना पड़ेगा साबित। तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा स्वेरिंग इन एज कर्नाटक चीफ मिनिस्टर पाविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिज गवर्नमेंट। He took the oath as the new chief minister of Karnataka after hearing the matter for more than 3 hours, beginning a 3-judge bench of apex court comprising Justice A.K. Sikri, S.A. Bobade and Ashok Bhushan directed that the letter sent by the BJP to the governor for forming the government be placed before it. तो यहाँ पर रात के 2 बजे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट को खोला गया जहां पर विपक्षी पार्टी के द्वारा संविधान का हवाला देते हुए जब ये केस आगे रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बीच में दखल अंदाजी करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए मुझे कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, ना ही ये कोई न्यूज चैनल है जहां पर हमने इस पर विश्लेषण करना है, लेकिन फिर भी यहां से पॉइंट्स ढूंढने, सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए कर्नाटका के, गवर्नर का नाम है वजूभाई वाला, अभी तुरंत मैं आपको क्विक फैक्ट्स भी बताऊंगा कर्नाटका से जुड़ी हुई, लेकिन आर्टिकल 361 क्या कहता है, आर्टिकल 361 ये कहता है कि किसी भी केस के अंदर गवर्नर को पार्टी नहीं बनाया जा सकता और गवर्नर का फैसला जो है वो मान्य होगा। तो यहां पे गवर्नर जो है इसी स्पेशल पावर के तहत उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ दिलाई है, और यहां पर जब इस मामले को कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया तो वहां पर बेंच ने भी इसके ऊपर फैसला देने से मना कर दिया कि हम गवर्नर के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो आपको कौन सा आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361। आगे बढ़ते हैं और क्विक फैक्ट्स ऑफ कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कैपिटल इज बेंगलुरु, वजूभाई वाला इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, घाट प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, डांस बहुत फेमस है यक्षगान, बहुत फेमस डांस यक्षगान ऑफ कहां का है, कर्नाटका का है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन कर्नाटका आर कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा एंड मालप्रभा, एंड बांदीपुर नेशनल पार्क और दंदेली नेशनल पार्क, बहुत फेमस है बांदीपुर एंड दंदेली नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका, और सुपा डैम जो है वो भी कर्नाटका में। तो क्विक फैक्ट्स अबाउट कर्नाटका जरूर इसको नोट डाउन करिए। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन आप अपने व्यूज सजेशंस हर न्यूज के ऊपर देते रहिए, क्विक फैक्ट्स हमारे साथ शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को भी शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते रहे।
तो नेक्स्ट न्यूज, स्टेट न्यूज, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन इन गुवाहाटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन इन गुवाहाटी असम. तो गुवाहाटी में भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन जो है वो ओपन हुआ है. तो देखिए, गुवाहाटी नाउ हैज इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय सोलर पावर. द प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स वॉज कमीशनड इन अप्रैल 2017. अराउंड 2,352 सोलर मॉड्यूल्स विद अ कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 700 kWp. 700 kWp का मतलब क्या होता है? किलोवाट पीक. पीक PEAK, पीक मतलब सबसे ऊंचा. तो किलोवाट पीक का मतलब सोलर एनर्जी के क्षेत्र में KWP का मतलब क्या होता है? किलोवाट पीक का मतलब क्या होता है कि सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा से सोलर एनर्जी, सन से ये एनर्जी लेते हैं. तो जो सूरज की एनर्जी सबसे पीक लेवल पे कब होती है? दोपहर के टाइम पर, या जब सबसे ज्यादा धूप हो, सबसे ज्यादा धूप हो, सनशाइन हो, तब हम इसको कह सकते हैं कि पीक पे होता है वो, और वहां से ज्यादा एनर्जी जो है वो प्राप्त की जा सकती है. तो इस सोलर मॉड्यूल का क्या कैपेसिटी है? तो कैपेसिटी है 700 kWp हैज बीन सेटअप ओवर द रूफ ऑफ द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन. सोलर पैनल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट. द सोलर पावर स्टेशन इज एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एज वेल एज कट डाउन पावर कॉस्ट ड्रास्टिकली. तो यहाँ पे ऊर्जा की बचत करनी है और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं, और नई ऊर्जा की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़कर इन्वायरमेंट को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसकी तरफ ये कदम. और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना, बिल्कुल बताया इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेलवे ने इसका कॉस्ट कितना रखा, लागत कितना रखा, 6.7 crore. और यहां पर क्विक फैक्ट्स अबाउट गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी का नाम आया है. तो गुवाहाटी इज इन स्टेट ऑफ असम. कहां पे है गुवाहाटी, कहां पर है गुवाहाटी, नाम का शहर कहां पर है? तो असम में है. असम की कैपिटल है दिसपुर. और देखिए, गुवाहाटी जो है ना, गुवाहाटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ गुवाहाटी इज सुपारियों का बाजार. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं. गुवाहाटी का मतलब क्या? गु का मतलब सुपारी, और हाट का मतलब आप सभी को पता है, हाट बाजार को बोलते हैं. तो सुपारियों का बाजार बोलते हैं, मतलब द मार्केट ऑफ नट्स बोल सकते हैं, द मार्केट ऑफ बीटल्स बोल सकते हैं. सुपारियों का बाजार जो है वो गुवाहाटी को कहा जाता है, जो असम में है. और असम की कैपिटल है दिसपुर. असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर इस जगदीश मुखी. लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब एक विधानसभा है. और वो कितने सीटों की विधानसभा? 126 सीटों की विधानसभा. देन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी सेंचुरी, ये तीनों नेशनल पार्क और सेंचुरीज कहां पर है? असम के अंदर है. नेहरू स्टेडियम भी गुवाहाटी के अंदर है. डांस जो सबसे फेमस है असम का वो है बिहू डांस, और रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर. आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ. 3-day इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो स्टार्ट्स इन चेन्नई. 3-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो चेन्नई में शुरू. तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. देखिए, अभी कुछ दिन पहले डिफेंस एक्सपो जो था ना, 7th edition ऑफ डिफेंस एक्सपो. एक्सपो का मतलब होता है एक्सपोजिशन, और एक्सपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनी. किसी चीज की प्रदर्शनी, किसी चीज का एग्जीबिशन करना, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सपो बोलते हैं. तो कुछ दिन पहले चेन्नई में ही डिफेंस एक्सपो जो है उसको सेलिब्रेट किया गया था, उसको वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था. और अभी फिर से चेन्नई ने एक और एक्सपो को होस्ट किया है, और वो है 3-day इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो स्टार्ट्स इन चेन्नई. 3-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो चेन्नई में शुरू हुआ, और ये आपके सामने लोगो भी है उसका. और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो डिस्प्लेइंग रेल कोचेस एंड ट्रेन सेट्स हैज बीन हेल्ड इन चेन्नई. रिप्यूटेड रेल कार एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर शोकेस देयर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स एट द एक्सपो, व्हिच वाज अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग डिफरेंट सप्लायर्स अंडर वन रूफ एंड क्रिएट सिनर्जी फॉर मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स जो है यहां पर शोकेस करने के लिए आए थे अपनी टेक्निक को, अपने प्रोडक्शन की टेक्निक को, कि वो किस तरह से इक्विपमेंट्स ऑफ रेलवे, रेलवे का कोच, रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर वो मेक इन इंडिया के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और निवेश कितना कर सकते हैं. वो टेक्निक दिखाने के लिए वो इस एक्सपो में आए, जहां पर भारत सरकार जो है इन सभी देशों के साथ, अगर उनको उचित लगा तो वो उनके साथ समझौता करेंगी मेक इन इंडिया के तहत, और भारत के अंदर आमंत्रित करेंगी कि आइए और रेल कोच फैक्ट्री और रेल के संबंधित आप जितनी ज्यादा टेक्निक जो है भारत को दे सकते हो उतनी दीजिए, और मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए. द एक्सपो इज बीइंग होस्टेड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री,
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो रेल मंत्रालय के अंदर ही ICF के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया. इन कोऑर्डिनेशन किनके साथ तालमेल रहा? CII के साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, और राइट्स RITES के साथ, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडियन रेलवे का. तो अभी चलते हैं क्विक फैक्ट्स ऑफ रेलवे, रेलवे से जुड़े हुए क्विक फैक्ट्स. फाउंडेड कब हुआ था इंडियन रेलवे, कब माना जाता है फाउंडेड? 8 मई 1845 को इंडियन रेलवे जो है वो फाउंड किया गया. हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में. मिस्टर पीयूष गोयल इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मिस्टर पीयूष गोयल जो है अभी करंट रेलवे मिनिस्टर है. डिवीजन कितने डिविजन्स में बटा हुआ है इंडियन रेलवे? 17 जोन्स में वो बटा हुआ है. देन इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, यात्री वाली जो ट्रेन है इंडिया की बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे चली थी इन 1853. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो इंडियन रेलवे है उसके मैस्कट का क्या नाम है, उसके शुभंकर का क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा. और मैं हिंट भी दे देता हूं, आप लोगों ने इंडियन रेलवे की तस्वीर के ऊपर एक हाथी को जरूर देखा होगा, जो हाथी टीटी की ड्रेस डाला हुआ है, जिस हाथी ने टीटी की ड्रेस डाली हुई और हाथ में लैंटर्न लालटेन पकड़ा हुआ है, वो मैस्कट है, शुभंकर है भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे का. उनका नाम प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी तुरंत आपकी तरफ तुरंत आऊंगा. लेकिन अगली खबर दिखाते हुए आपको, और वो अगेन स्टेट न्यूज है. कैबिनेट अप्रूव्स कॉर्पस फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड MIF विद नाबार्ड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो अभी रिसेंटली कल भी हमने किया था कि कैबिनेट ने 1 फरवरी 2018 को जो बजट पेश किया गया उसके अंदर इसके माइक्रो इरिगेशन फंड की बात करी गई थी नाबार्ड के साथ, जिसको कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दी है, स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है. तो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के साथ माइक्रो सिंचाई फंड के लिए कॉर्पस को, मतलब एक फंड को मंजूरी दी है. और देखते हैं इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय PM. तो इस कैबिनेट कमेटी को किन्होंने अध्यक्षता करी? चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी के द्वारा. हैज अप्रूव्ड एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹5,000 करोड़ फॉर सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड विद नाबार्ड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो कितने का इन्होंने माइक्रो इरिगेशन फंड जो है एस्टैब्लिश किया नाबार्ड के साथ? तो वो है 5,000 करोड़ रुपीस का. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो इरिगेशन फंड किसके साथ एस्टैब्लिश किया? योर आंसर वुड बी नाबार्ड. कितने अमाउंट का किया? योर आंसर वुड बी 5,000 करोड़ रुपीस. और आगे द एलोकेशन ऑफ ₹2,000 करोड़ एंड ₹3,000 करोड़. तो इस 5,000 करोड़ को डिवाइड किया है इन 2,000 करोड़ एंड 3,000 करोड़. और 2,000 करोड़ को यूटिलाइज कब किया जाएगा? 2018-19 में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है. और 3,000 करोड़ को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इसको यूटिलाइज किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा. नाबार्ड विल एक्सटेंड द लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाबार्ड राज्य सरकार को लोन प्रोवाइड करेगा. बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड शैल बी पेड बैक इन 7 years इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड ऑफ 2 years. और जो उधार लिया गया है नाबार्ड से वो नाबार्ड को कब वापस करना है? 7 सालों के भीतर वापस करना है, 7 years के अंदर वापस करना है. 2 साल का ग्रेस पीरियड आपको मिल सकता है, मतलब 7+2 9 years में वो लोन आप उनको वापस कर सकते हैं. लेंडिंग रेट, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर कितना लगेगा? तो दर लगेगा MIF के ऊपर हैज बीन प्रपोज्ड एट 3% लोअर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड ऑफ बाय नाबार्ड. तो नाबार्ड से डायरेक्ट लोन लेने से भी सस्ता पड़ेगा आपको MIF माइक्रो इरिगेशन फंड से लोन लेना. और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. दिस कॉस्ट शैल बी मेट फ्रॉम द ऑनगोइंग स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली योजना के लिए ये बड़ा लाभदायक होगा, जहां पर ये लोन जो है बहुत ही आसान शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ, टर्म्स के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है. बाय अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस द टोटल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑन इंटरेस्ट सबवेंशन कम्स टू अबाउट ₹750 करोड़. और इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज दर के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया गया है? ₹750 करोड़, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर, कि कहीं ना कहीं आपको घाटा ना पड़े, बैंक को घाटा ना पड़े, सरकार अपनी तरफ से पे करेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 3% जो है वो इंटरेस्ट रेट लगेगा. क्विक फैक्ट्स ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में क्विक फैक्ट्स. तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म. हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है. एस्टैब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को ये एस्टैब्लिश हुआ. और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड. और नाबार्ड इज द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ
रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाबार्ड जो है ना वो नियंत्रक और नियामक संस्था है किसकी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। तो रीजनल रूरल बैंक RRBs का कंट्रोलर कौन है, RBI नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन में RBI जरूर होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए RRB का कंट्रोलर कौन है, तो ऑप्शन में आप RBI देखकर उत्साहित मत हो जाइएगा और उसको टिक ना करिएगा, उसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। तो RRB का रेगुलेटर कौन, नाबार्ड। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपके आंसर लेते हुए बहुत बहुत खूब, यहां पर बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट्स का मेरा मतलब नजर वहीं पे पड़ी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है, तो बिल्कुल वो एक एलिफेंट है जैसा मैंने हिंट दिया, और उस एलिफेंट का नाम क्या है, भोलू, भोलू द हाथी, भोलू द एलिफेंट, बिल्कुल सही यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर। चलिए बहुत खूब, यहां पर मैं आपके सजेशंस को भी देख पा रहा हूं और जितने भी स्टूडेंट्स अपने अच्छे सजेशंस दे रहे हैं मैं जरूर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, मतलब मेक माई एग्जाम और हमारी टेक्निकल टीम हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर है और आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है हम उसे जरूर आपके सामने पेश करेंगे और इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहिएगा इसकी भी पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन वो सहयोग दिखना भी तो चाहिए। और वो सहयोग कैसे दिखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कुछ और सेगमेंट्स रह गए उसके बाद हम चलेंगे MCQ की तरफ जहां पर आपकी पार्टिसिपेशन देखते ही बनती है और क्विज को देखेंगे कि देखते हैं कि सेशन को कितना ध्यान से सुना है और आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छे से हो पा रही है। और अगला सेगमेंट जो आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतरराष्ट्रीय खबरें, इंडिया टू अटेंड द SCO कल्चर मिनिस्टर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जिसका मेन मीटिंग जो है ना मेन मीटिंग वो जून में होगा और जून से पहले कितनी सारी तैयारी चल रही है, पहले डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर की समिट, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट, टूरिज्म मिनिस्टर की समिट, अब और जो है SCO कल्चर मिनिस्टर्स की समिट भी जो है वो चाइना में ही बुलाया गया। तो देखिए इंडिया टू अटेंड द SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिनिस्टर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत पहली बार SCO संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लेगा। तो यहां पर SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 8 देश 8 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने, उससे पहले 6 मेंबर्स जो थे इसके मेंबर्स थे, 6 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे। तो यहां पर इन 8 कंट्रीज के जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग जो है वो चाइना में हो रही है और इंडिया ने पहली बार कल्चर मिनिस्टर SCO मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और तस्वीर में आपको कौन दिख रहे हैं, तस्वीर में आपको दिख रहे हैं महेश शर्मा जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है इंडिया के। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर दैट इज इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर महेश शर्मा विल बी अटेंडिंग शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग एट सानिया इन चाइना। तो ये चाइना में कहां पर हो रहा है, सानिया इन, सानिया इन एक जगह का नाम है जहां पर ये कल्चर समिट जो है वो होगा। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया वुड बी अटेंडिंग द SCO कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। द मीटिंग विल शोकेस इंडियाज इनिशिएटिव टू एक्टिवली परस्यू कल्चरल कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग SCO कंट्रीज, और भी देशों के साथ और SCO देशों के साथ हमारा जो कल्चरल एक्टिविटीज है और कल्चरल कोऑपरेशन है वो किस तरह से और आगे बढ़ सके, मतलब हमारी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत जो है उसको लेकर हम किस तरह से सहयोग और तालमेल बनाए रख सके उसको लेकर यहां पर बातचीत होगी। इट विल आल्सो हेल्प टू प्रमोट कल्चरल रिलेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इस तरह से सांस्कृतिक एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो होंगे और हम एक दूसरे को और भी समझेंगे जिससे हमारा सहयोग जो है उस लेवल पे बढ़ेगा और ये सहयोग कल्चरल सहयोग बढ़ने से राजनीतिक सहयोग भी बढ़ेगा और डिप्लोमेटिक सहयोग भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक सहयोग भी बढ़ेगा। तो इस पर्पस से कल्चरल समिट SCO का वो कहां पर हो रहा है, सानिया इन चाइना के अंदर। आगे चलेंगे SCO के बारे में, फैक्ट्स ऑफ SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चाइना में। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 15 जून 2001। मेंबरशिप 8 मेंबर स्टेट्स हैं, 8 मेंबर देश हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, राशिद अलीमोव। इंडिया बिकेम फुल मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 9 जून 2017 ड्यूरिंग द SCO हेड ऑफ स्टेट समिट इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ताना द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान गए थे जहां पर SCO की मीटिंग थी, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश नए मेंबर बने थे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के।
आगे चलेंगे अग्रीमेंट की खबर की तरफ, समझौते की खबर की तरफ. कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश. मंत्रिमंडल आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है. तो यहां पर हमारी केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलने की मंजूरी दी है. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रिसेंटली कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने किस राज्य को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का प्लान किया है? तो योर आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश. और थोड़ा और डिटेल में पूछ सकते हैं, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय द नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. उसका नाम भी क्या होगा? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ आंध्र प्रदेश इन जंथालूरू विलेज ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. कहां पर खुलेगा ये? तो जंथालूरू विलेज ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश. अ प्रोविजन ऑफ फंड्स वर्थ रुपीज 450 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मीटिंग द फर्स्ट फेज एक्सपेंडिचर towards establishment of the said university. तो इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए जो जरूरी का सबसे पहला 450 करोड़ है वो भी एलोकेट जल्द से जल्द किया जाएगा. कैबिनेट also approved the proposal for operationalization of the central university in the transit campus initially by forming a society under the Societies Registration Act 1860. तो देखिए अलग अलग एक्ट के अंदर और जो भी एक लॉ के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है. आपको सिंपल याद रखना है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का एक प्रपोजल जो है वो दिया जा चुका है और उसकी अनुमति दी जा चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जो जंथालूरू विलेज अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा. आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं. तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी इज हैदराबाद, गवर्नर इज ESL नरसिम्हा, चीफ मिनिस्टर इज N चंद्रबाबू नायडू. डांस कुचिपुड़ी बहुत फेमस डांस है. देर आर टू मेन रिवर्स नेमली कृष्णा एंड गोदावरी दैट फ्लो थ्रू द स्टेट. दो बहुत मेन रिवर है जो उसी राज्य से होकर निकलती है, गोदावरी और कृष्णा. नागार्जुन सागर डैम जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है. राजीव गांधी नेशनल पार्क वो भी आंध्र प्रदेश में है. एंड कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर है. तो जल्दी से इस चीज को जरूर नोट डाउन करिएगा. हम चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, बिजनेस की न्यूज की तरफ. टाटा स्टील टू अक्वायर भूषण स्टील थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी बमनीपाल स्टील. तो टाटा स्टील की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है बमनीपाल स्टील. तो वो बमनीपाल स्टील के द्वारा भूषण स्टील को बिल्कुल एक्वायर करेगा, उसका अधिग्रहण करेगा. तो टाटा स्टील ने स्टेप डाउन सब्सिडरी बमनीपाल स्टील के माध्यम से भूषण स्टील को हासिल किया या अधिग्रहण किया. तो टाटा स्टील की कंपनी है आगे, उसका नाम है बमनीपाल स्टील और बमनीपाल स्टील ने क्या किया, भूषण स्टील को अक्वायर कर लिया. तो टाटा स्टील बहुत बड़ा नाम है. तो आने वाले पेपर में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील ने रिसेंटली अपने किस सहायक कंपनी के द्वारा किस स्टील कंपनी को एक्वायर किया. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है जिसका आप आंसर इजीली दे सकते हो. टाटा स्टील हुज बिड फॉर डेट रिडन भूषण स्टील. तो भूषण स्टील जो है बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया था. अप्रूव्ड बाय NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा भूषण स्टील जो है वो कर्जाई कर्ज के अंदर घोषित हो चुका था. वुड इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी बमनीपाल स्टील लिमिटेड. बमनीपाल स्टील वुड इन्वेस्ट इन द डेट रिडन कंपनी एंड एक्वायर कंट्रोल ऑन द क्लोजिंग डेट. तो बमनीपाल स्टील जो है वो भूषण स्टील को अधिग्रहण करेगा और उसके अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा. और जो बमनीपाल स्टील किसकी कंपनी है, तो टाटा स्टील की होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब पूर्ण सहायक कंपनी है टाटा स्टील की बमनीपाल स्टील. और ये सौदा जो है वो 158.89 करोड़ रुपीस का हुआ है. आगे चलेंगे, क्विक फैक्ट्स ऑफ टाटा स्टील. तो टाटा स्टील को पुराने फॉर्मरली कॉल्ड टिस्को, टाटा स्टील को पहले किस नाम से जाना जाता था, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. फाउंडेड कब हुआ था, 25 अगस्त 1907. फाउंडर कौन थे, जमशेद जी टाटा, जिसके नाम से जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदपुर जो है ना वो जमशेद जी टाटा के नाम पर ही एस्टैब्लिश है. की पीपल कौन है, अभी रिसेंटली नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन जो है वो चेयरमैन है टाटा. तो यहां पर आगे चलेंगे रैंक की तरफ, और रैंक बहुत इंपॉर्टेंट जो कल के न्यूज़पेपर में भी आया था तो उसको मैं यहां पर आज रिवाइज भी करा दूं. इंदौर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018. तो क्लीन सर्वे हुआ है, इंडिया का क्लीन सर्वे हुआ है जिसमें इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है. तो इंदौर जो है भारत का सबसे साफ शहर बना है. इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रिजल्ट, इंदौर हैज वंस अगेन इमर्ज एज द क्लीनेस्ट सिटी
In India, Bhopal has been ranked second and Chandigarh third. First pe Indore, second pe Bhopal, third pe Chandigarh. In the survey at the national level, the announcement was made in Delhi by Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri. So, is cheez ki announcement ki inhone kari? Hardeep Singh Puri, jo Minister of Housing and Urban Affairs hai. Beside, Vijayawada in Andhra Pradesh is India's cleanest big city with a population of over 10 lakh. 10 lakh se zyada population wale shahar ki baat kare, to Vijayawada jo hai Andhra Pradesh ka, wo India ka sabse saaf shahar bana hai. Ghaziabad in Uttar Pradesh is fastest mover big city. Aur Ghaziabad jo hai, wo bahut tezi se aage badh raha hai. Cleanest city ki taraf. New Delhi Municipal Council is country's cleanest small city having a population between 1 lakh to 3 lakh. So, new NDMC ki baat kare, New Delhi Municipal Council ki baat kare, to sabse chota shahar keh sakte hai, jiski jansankhya 1 se 3 lakh ke beech mein hai, jo sabse saaf shahar bana hai. Swachh Sarvekshan 2018 assessed 4,203 urban local bodies and was organized by Ministry of Housing and Urban Affairs under the Swachh Bharat Mission Urban. The exercise was undertaken between 4 January se 10 March tak isko liya gaya. Aur sabse important news ke cleanest city puchenge Indore aur cleanest state agar pucha, to your answer would be Jharkhand. Jharkhand has been declared the best performing state followed by Maharashtra. To number 1 state kaun sa bana hai? Jharkhand. Aur number 2 state kaun sa bana hai? Maharashtra. To among other highlights jo hai, dekhiye zyada aapko kya yaad rakhna hai, number 1 city kaun si bani hai? Indore. Aur number 1 state kaun sa bana hai? Jharkhand. Among other highlights of the Swachh Sarvekshan 2018, cleanest state capital Greater Mumbai. Agar hum rajya ki rajdhani ki baat kare to Greater Mumbai. Best city in innovation and best practices Nagpur. Best city in solid waste management kude ka behtar prabandhan kaun sa shahar karta hai? Navi Mumbai. India's cleanest city zone wise agar kshetra ke hisab se dekhe to north mein Bhalso Punjab, east mein Bundu Jharkhand, north east mein Kachin Manipur, south mein Siddipet Telangana, वेस्ट में पंचगणी महाराष्ट्र. तो देख लीजिए अपने शहर को ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कौन सा शहर है या आप किस शहर के पास हो और आप अपने शहर को साफ करने में या अपने परिवेश को साफ करने में अभी तक आपने क्या किया है और कितना योगदान किया है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. अच्छा लगता है कुछ अच्छी बातों को सुनकर और अच्छी बातों को कर. आगे चलेंगे क्विक फैक्ट्स ऑफ इंदौर. तो इंदौर देखिए, इंदौर जो शहर है वो कहां पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है. तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी सारी हासिल करते हैं ना फिर. तो स्टेट मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल. इंदौर जो है फेमस सिटी है, कैपिटल नहीं है. भोपाल इज द कैपिटल. गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल. चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के. लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है. 230 सीट्स है, 230 सीट्स है. नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची. सांची स्तूपा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है. बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क जो है वो दोनों कहां पर है? वो दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है. अपॉइंटमेंट की तरफ चलेंगे और तस्वीर में आपको ललित कला अकादमी दिख रही है. तो उत्तम पचड़ने अपॉइंटेड रेगुलर चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी. उत्तम पचड़ने को ललित कला अकादमी के नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. तो उनका नाम याद रखिएगा, उत्तम पचड़ने, यूपी याद रख लीजिए आप. उत्तम पचड़ने को ललित कला अकादमी का रेगुलर चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड उत्तम पचड़ने एज रेगुलर चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी. मिस्टर पचड़ने इज एन एमिनेंट आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर. तो बहुत बड़े मूर्तिकार और कलाकार हैं उत्तम पचड़ने. करंटली ही इज मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी कला अकेडमी गोवा. ही इज द रिसिपियंट ऑफ नेशनल ललित कला अवार्ड 85, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 85 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जूनियर नेशनल अवार्ड 86 एंड जीवन गौरव पुरस्कार 2017 फ्रॉम प्रफुल धानुकर फाउंडेशन. प्रीवियसली मिस्टर एम एल श्रीवास्तव ज्वाइंट सेक्रेटरीज. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वॉज अपॉइंटेड प्रोटेम चेयरमैन ऑफ द ललित कला अकेडमी. तो कुछ दिनों के लिए मिस्टर एम एल श्रीवास्तव को चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अब रेगुलर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई है जिनका नाम है उत्तम पचड़ने. आगे चलेंगे स्पोर्ट्स की तरफ. हिमांता बिश्व शर्मा जो आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं असम के, वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके साथ ही हिमांता बिश्व शर्मा इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन. देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI बाई के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन एशिया लेवल के ये क्या बनाए गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं. तो हिमांता बिश्व शर्मा बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए, जो हमारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है. तो बाई प्रेसिडेंट
Himanta Biswa Sharma was elected as the Vice President of Badminton Asia Confederation during the annual general meeting of Continental Body in Bangkok, Thailand. Devender Singh, Senior Vice President of Badminton Association of India, and Umar Rashid, Secretary Events of BAI, also attended the AGM, that is annual general meeting. Quick facts of BAI. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? हिमांता विश्व शर्मा, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन का. और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड कब हुआ था? 1934 में. और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर. आगे चलेंगे किसकी तरफ? तो आपके फेवरेट चीज की तरफ, और दैट इज क्विज की तरफ. तो कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज. तो जल्दी से यहां पर आइएगा. बहुत बढ़िया, बहुत खूब यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर. तो कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो 15 क्वेश्चंस आएंगे धड़ाधड़ में आपके सामने लेकर आऊंगा. और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य का नाम बताइए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. नो प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स जो है. बहुत खूब यहां पर पार्टिसिपेशन आना शुरू हो चुका है. बहुत बढ़िया. हरकिरण कौर, सैटन रॉय, अश्विन आनंद, राजा बाबू, उमंग नागपुरे, प्रिंसी गोयल, संजू मीना, मामूनी खुंगरी, नेहा, मधुस्मिता, प्रांजल, मंदी. बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर. और बहुत खूब आप सभी का आंसर. और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज झारखंड इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन टू बी इलेक्टेड इन ओरेगॉन इन द वेस्टर्न यूएस स्टेट? पश्चिमी अमेरिकी राज्य में ओरेगॉन में कौन सा भारतीय अमेरिकी व्यक्तित्व निर्वाचित होने वाला या होने वाली पहला दक्षिण एशियाई बन गया है या बन गई है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. ये क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है. जब भी भारतीय मूल के लोग विदेश में कुछ अच्छा करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर्स में जरूर पूछा जाता है. इज इट अखिल अमर, सुशीला जयपाल, सत्य एन अतुलरी या महाजरीन बंजी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और बहुत खूब प्रेमिला, बोधरा, पार्थो, राम नरेश, संजू, नेहा, तेजो लाथादास, जुगनू, सुखविंदर, अरविंद कुमार, अरुणीत महाजन, उमंग श्रीवास्तव, अश्विन आनंद, नेहा पाठक, दीप्ति सुवड़ा. आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत खूब. और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है. कौमिला हीर, संजू मीना, बहुत बढ़िया. हरकिरण, अश्विन आनंद, मंगेश नागपुरे, कैलाश साहू, रामकृष्ण राजू, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पर. और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली सुशीला जयपाल इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज सुशीला जयपाल. थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इज इट अनंतपुर, गुंटूर, कुरनूल या विशाखापट्टनम? बहुत बढ़िया यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन. हरजोत कौर संधु, कन्हैया लाल दुबे, सत्यम वाजपेयी, राम नरेश, मयंक सिन्हा, रितेश चौधरी, संजू मीना, जितेंद्र सिंह, मनुवत्स, बौद्रा वीर सिंह, अश्विन आनंद, कन्हैया लाल दुबे, कॉन्सेप्ट हब. बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर बहुत खूब जा रहा है. और थर्ड क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है यहां पर आना शुरू हो चुका है. और थर्ड क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई गुंटूर बोल रहे हैं, कोई कुरनूल बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो आंसर है ना वो ए आ रहा है, दैट इज अनंतपुर आ रहा है. तो देखते हैं राइट आंसर क्या है. एग्जैक्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है. और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज अनंतपुर इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018 इज बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018 निम्नलिखित शहर में से किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, मेजबानी उसकी की जा रही है? मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली या चेन्नई? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीका यही है कि जब भी सेशन को किया जाए उसके साथ ही उसकी रिविजन हो जाए और फिर अगले दिन की तरफ हम मूव करें. और इसी तरह से हम बढ़ते चलेंगे और ज्ञान को अर्जित करते चलेंगे और आने वाले पेपर्स में बहुत आसानी होगी. 11 क्वेश्चंस और रह चुके हमारे सामने. इसी तरह से आप लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके. और इसी के साथ आंसर आना शुरू हो चुका है फोर्थ क्वेश्चन का. और बिल्कुल सही उत्तर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज 4D, दैट इज चेन्नई इज द करेक्ट आंसर. सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो सही है ऑलमोस्ट. और यहां पर अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट विच सिटी इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी अराउंड 2028? ये क्वेश्चन भी आज के सेशन में नहीं था, लेकिन इसका उत्तर जरूर दीजिएगा आप कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर 2028 के आसपास दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनने का अनुमान है? टोक्यो, दुबई, दिल्ली या शंघाई? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. प्रिंस हाजी, राम नरेश, रोहित कुमार, नेहा पाठक, हरजोत कौर संधु, अजीत साहू,
जुगनू पांचाल, संजू मीना, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर, और बहुत बढ़िया राम, नरेश, आप सभी यहां पर बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसी तरह से पार्टिसिपेशन करते रहिए। यानु नुक, रामकृष्ण, राजू, कन्हैया लाल दुबे, हरकिरण कौर, कौमिला हीर, आशीष, रंजन, मधुस्मिता बिश्वाल, दीप्ति सुवेडा, अरविंद पटेल, मंगेश नागपुरे, महेश्वर नायक, प्रिंस हाजी, राजा बाबू, अमनदीप बद्धन, बहुत बढ़िया मामूनी खुंगरी, आप सभी का उत्तर यहां पर बिल्कुल सही। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है वो कौन सा बना है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। शहर का नाम बताना है, पहले राज्य का नाम बताया था झारखंड जो बिल्कुल सही था, अब आपको शहर का नाम बताना है जो स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीन सर्वे इंडिया जो है उसके अकॉर्डिंग सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है। सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा यहां पर, और बहुत खूब यहां पर राइट आंसर आना सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। ओम प्रकाश यादव, जितेंद्र नयन, राजा बाबू, मनदीप कौर, हरजोत कौर संधु, प्रांजल जायसवाल, ऋचा सिंह, मंगेश, आशीष, उमंग, बहुत बढ़िया आप सभी का, मोक्षा सटन, आशीष साहू, आप सभी का, दीप्ति, महेश्वर, जयश्री, आप सभी का पार्टिसिपेशन, पार्थो, बहुत बढ़िया। और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया चेयरमैन किसे चुना गया है, दीपक कुमार, संजय मित्रा, राघव चंद्रा या युद्धवीर सिंह मलिक, जल्दी इसका उत्तर दीजिएगा। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको सेशन में तो नहीं किया लेकिन MCQ के फॉर्मेट में हमने इसको लाने की कोशिश करी जिससे आप इसको नोट डाउन कर सके। और बहुत खूब यहां पर सेवेंथ क्वेश्चन का भी राइट आंसर हरजोत कौर संधु जी की तरफ से पहला आ चुका है। पूजा सिंह, बोधरावीर सिंह, हरकिरण कौर, रामकृष्ण राजू, अश्विन आनंद, प्रांजल जायसवाल, सुष्मिता हल्दर, प्रिंसी गोयल, हरकिरण, नेहा, मंगेश, मधुस्मिता, यानू, अनुक, मामुनी खुंगरी, अरविंद कुमार ऑनर्स, ओम प्रकाश, जयश्री, संजू, आशीष, पार्थो, मनदीप, अंकित, अरविंद, बहुत बढ़िया। सभी का नाम लेने की कोशिश करता हूं लेकिन अगर एक आधा छूट जाए तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना आपने, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, इसी चीज को सीखना। और सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज युद्धवीर सिंह मलिक जो है वो नए चेयरमैन बनाए गए हैं NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आठवें क्वेश्चन की तरफ, विच पार्टी इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द रिजल्ट्स ऑफ कर्नाटका इलेक्शन 2018, कर्नाटका चुनाव 2018 के नतीजों में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर या CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि कर्नाटका चुनाव में इनमें से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है, नो डाउट मेजोरिटी तो नहीं मिली लेकिन लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर है। और यहां पर आपको इसका आंसर देना है बिल्कुल, और आंसर जो है एट क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आना शुरू हो चुका है, और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा, और बिल्कुल सही उत्तर एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज BJP, भारतीय जनता पार्टी। आगे चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ, व्हेन वाज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया था रिसेंटली, मतलब अगर रिसेंट डेज हैं तो वो भी हम इस फॉर्मेट के थ्रू लाते रहेंगे। तो व्हेन वाज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और सत्यम वाजपेयी, महेश्वर नायक, ऋषभ कुमार, मयंक सिन्हा, ओम प्रकाश यादव, महेश्वर, पार्थो, संजू मीना, रितेश चौधरी, जुगनू पांचाल, शनिचर भोई, बहुत बढ़िया, गुड्डू कुमार, पूजा सिंह, रितेश चौधरी, रामकृष्ण राजू, हरजोत कौर संधु, अश्विन आनंद, कन्हैया लाल, मंगेश नागपुरे, नेहा पाठक, जुगनू पांचाल, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर, उमंग श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, अर्पित चौहान। और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली 17 मई इज द करेक्ट आंसर, 17 मई इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल बॉडी इन बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में महाद्वीपीय निकाय की वार्षिक आम बैठक के दौरान बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, हिमांता विश्व शर्मा, देवेंद्र सिंह, उमर राशिद या तरुण गोगोई, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूब यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, बार बार यही बोलता रहूंगा जिससे चुप तो नहीं रहना, और जितने देर मैं आपके सामने रहूंगा कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता रहूंगा कि जिससे आपका एनर्जी लेवल भी है जो है इसी लेवल पे बना रहे, और आप इसी पेस के साथ और इसी चीज के साथ आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा और आपको
आगे बढ़ना है और इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है और टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और बिल्कुल सही यहां पर सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर बिल्कुल हिमांता विश्व शर्मा इज द करेक्ट आंसर. टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए. आगे चलते इलेवेंथ क्वेश्चन की तरफ. पांच क्वेश्चन और रह चुके हैं. हु विल बी अटेंडिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम इंडिया एट सानिया इन चाइना. चीन में सानिया में भारत से शंघाई सहयोग संगठन सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में कौन भाग लेगा. डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यवर्धन राठौर, स्मृति ईरानी या पीयूष गोयल. बहुत खूब. यहां पर इसी तरह से आप चार क्वेश्चंस और रह चुके हैं. आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइव चैट को जो ये चल रहा है अभी आपके सामने लाइव स्ट्रीम जो चल रही है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें आप इस शो के साथ और भरपूर फायदा उठा सकें. और इलेवेंथ क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है यहां पर आना शुरू हो चुका है और इलेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डॉक्टर महेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही उत्तर. मैं सभी के उत्तर की तरफ देख रहा हूं, बड़ी पैनी निगाह है मेरी यहां पर. और इलेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए डॉक्टर महेश शर्मा. और ट्वेल्थ क्वेश्चन, द सुपा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सुपा बांध किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु. और यहां पर सभी स्टूडेंट जितेंद्र नैन बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन भाई साहब आपका. मोक्षा शाह आप भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं. रोहित कुमार नायक बहुत बढ़िया. मोहित शर्मा बहुत खूब. राम नरेश बहुत बढ़िया. और यहां पर आंसर जो है वो आना शुरू हो चुका है ट्वेल्थ क्वेश्चन का. और ट्वेल्थ क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो बिल्कुल आया है आपकी तरफ से और बिल्कुल सही. ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज कर्नाटका. तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से. थर्टीन क्वेश्चन की तरफ से, वेयर डज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन इनॉग्रेटेड. भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहां से हुआ. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुवाहाटी. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो है वो कहां से हुआ है. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुवाहाटी. थर्टींथ क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और थर्टींथ क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है जल्दी से. और इसी तरह से थर्टींथ क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर. गुवाहाटी, असम इज द करेक्ट आंसर. 14th क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है. एक क्वेश्चन और रह गया और इसी के साथ आज के शो का अंत करेंगे. कल सुबह हमारी मुलाकात जरूर होगी आपके शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो. तो हमारे शो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा जिससे आपको और भी शोज के टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. और बिल्कुल सही उत्तर आनंदी बेन पटेल इज द करेक्ट आंसर. 14th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज आनंदी बेन पटेल. लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम. विच स्टेट गवर्नमेंट वुड बी सेटिंग अप अ पैनल टू चेक सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर. सुरक्षा व्यय की जांच के लिए कौन सी राज्य सरकार एक पैनल स्थापित करेगी. तो दिस इसका आंसर दीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो विच स्टेट गवर्नमेंट वुड बी सेटिंग अप अ पैनल टू चेक सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर. सुरक्षा व्यय की जांच के लिए कौन सी राज्य सरकार एक पैनल स्थापित करेगी. इज इट उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या पंजाब. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और 15th क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले आया हरजोत कौर संधू के द्वारा. बोधरा वीर सिंह, अनु कुमारी, नेहा पाठक, रामकृष्ण, हरजोत कौर संधू, पूजा सिंह, प्रांजल जायसवाल, दीप्ति सुवड़ा, अश्विन आनंद, हरकिरण, राजा बाबू, मंगेश, मधुस्मिता कन्हैया, रितेश, ऋचा, मामुनी, सुष्मिता, जयश्री, सनिचर भुई. बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन. और 15th क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली पंजाब. डी इज द वेरी करेक्ट आंसर. तो बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन रहा. तो इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. लेकिन वही चीज जो बार बार मैं बोलता हूँ, मोटिवेशनल मैसेज या कोई भी ऐसी चीज, तो स्वामी विवेकानंद जी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं. तो उनकी बात वही है कि उठो, जागो और बगैर रुके जो है लक्ष्य तक पहुंचो. मतलब जब भी आपको एक चेतना आए तो आपको क्या करना है, बिना रुके हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है. मतलब कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं लेनी है. तो इसी के साथ आपका दिन जो है वो शुभ हो. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.